आई थिंक ये बात कभी शेयर नहीं की है कि रोहू लिटिल चैम्प्स में एज अ कंटेस्टेंट आए थे, छोटू से थे, और मैं लिटिल चैम्प्स में बहुत सालों बाद मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम जब मैंने जज किया कोई शो, दैट वाज लिटिल चैम्प्स. क्या बात है यार, तो हमारा कनेक्शन तो मतलब कमाल का है. हाय, मैं हूँ आरजे प्रवीर मिर्ची इंडी से, और मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे एक कपल ऐसा खड़ा है जो कि बहुत मस्ती कर रहे हैं और मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं. यार क्या कर रहे हो यार? वन लाइफ, मजे करो. सो वी हैव द वेरी अमेजिंग नेहा कक्कड़ एंड द वेरी अमेजिंग रोहन प्रीत हमारे साथ, एंड ऑफ कोर्स आप लोग. यार पहले तो यार एकदम कलर कोऑर्डिनेटर, थैंकफुली मेरी ब्लैक पहन के आया तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है. वैसे कैसा लग रहा है आप लोगों को यार मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स में आके? बहुत अच्छा लग रहा है. हमेशा वी एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू परफॉर्मिंग हियर, है ना बेबी? और मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है. हाँ, रोहू को मतलब मेरी मिर्ची वाली परफॉर्मेंसेस देखते रहते हैं ये. और ही वाज टेलिंग मी बैक स्टेज की नेहू, आई एम सो हैप्पी कि मैं हमेशा से आपकी मिर्ची परफॉर्मेंसेस देखता हुआ आ रहा हूँ, अब मैं इसमें आपके साथ परफॉर्म कर रहा हूँ तो लकी मी. सही है, लेकिन लकी तो आप लोग, मेरे को तो ऐसा लग रहा है भाई ऊपर वाले ने लिख के भेजा था. देखो आप लिटिल चैंप्स में आपने पार्टिसिपेट किया था, आप भी अभी रियलिटी शो में. अरे नहीं, सुनो ना, क्या कमाल की बात है. लिटिल चैंप्स में हम एक्चुअली ज़्यादा इंटरव्यूज मैं देती नहीं हूँ, पीछे पीछे भागती हूँ, तो आई मीन उल्टा भागती हूँ, बट इसलिए ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है. मैंने आई थिंक ये बात कभी शेयर नहीं की है कि रोहू लिटिल चैंप्स में एज अ कंटेस्टेंट आए थे, छोटू से थे, और मैं लिटिल चैंप्स में बहुत सालों बाद मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम जब मैंने जज किया कोई शो, दैट वाज लिटिल चैंप्स. क्या बात है यार, तो हमारा कनेक्शन तो मतलब कमाल का है. लिखवा के लाया मैं तो कह रहा हूँ आपसे. लेकिन देखो यार, आप लोग इंडिविजुअली भी काम करते हो, और आप अपने, अभी तो आप अपनी वाइफ के साथ भी काम कर रहे हो, आप अपने सिस्टर के साथ काम कर रहे हो, टोनी के साथ काम कर रहे हो, तो मिर्ची पे हाथ रख के मेरे को सच सच बताना कि आपको ज्यादा मजा बहन भाइयों के साथ काम करने में आता है या अपने हस्बैंड के साथ आते हैं? आप चप्पल भी लाए क्योंकि मुझे लगता है वो पड़ेगी मुझे. नहीं, आपको लड़ाई करवाने के लिए लड़ाई. चलो आप ही दे दो जवाब, आपको क्या लगता है? मैंने अभी भाई के साथ तो काम किया नहीं, अभी तो वाइफ के साथ ही किया, तो मजा तो आता, पर भाई के साथ जब काम करूंगा तो वो और ज्यादा मजा आएगा. ठीक है, तो मैं चलो एक सेफ क्वेश्चन पूछ लेता, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन, कि अगर आपको कोई चीज इंवाइब करनी हो टोनी से या सोनू से या इन साहब से, तो वो कौन सी चीज इंवाइब करोगे? क्या चीज आप उनकी क्वालिटी आप अपने में लाना चाहोगे? टोनी भाई की बहुत ही सॉर्टेड इंसान है, मतलब इतने सॉर्टेड हैं वो, उनको बिकॉज ही नोज ही इज द बेस्ट, ही नोज, ही यू नो, ही कीप्स टेलिंग अस. जैसे मैं कभी यू नो अप्स एंड डाउन आते हैं, कभी रोहू डिप्रेस हो जाते हैं, मैं डिप्रेस हो जाती हूँ, रोहू टोनी भाई बोलते हैं नेहू वी आर द हैप्पीएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, वी आर द लकीस्ट पीपल इन द वर्ल्ड. ये क्यों नहीं सोचते तुम? अगर नेहा कर ना भी होती तब भी तुम लकीस्ट इंसान हो, ऐसा सोचना है तुम्हें. एंड इतने इंस्पायरिंग है ना वो. एंड अगर अगेन अनदर इंस्पिरेशन की बात करूँ तो वो सोनू दीदी. सोनू दीदी एक तो ऑफकोर्स मेरे दोनों सिबलिंग्स बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, सोनू दीदी कमाल का ही गाती हैं, बट She is an inspiration when it comes to fitness also. Oh my God, मैं इतनी मोटू हो रही हूँ अभी. मुझे अभी दीदी को देख के शर्म आती है क्योंकि दीदी मुझसे ज्यादा यंग लगने लगी हैं. I feel so bad. But she's so inspirational. बड़ी कमाल की, मुझे उनके जैसा बनना है. Absolutely. And when it comes to my hubby, मुझे लगता है एक अच्छा इंसान कैसे बना जाए, एक अच्छा पार्टनर कैसे बना जाए, वो रोहन प्रीत से सीखना चाहिए. ये मैं सिर्फ हस्बैंड्स के लिए नहीं कहूँगी, वाइफ्स के लिए भी. ये जितने अच्छे हस्बैंड हैं, अगर ये अगले जन्म में लड़की होते तो वाइफ भी उतनी ही अच्छे होते. फीलिंग इज म्यूचुअल यार, मतलब ऐसी बातें करने लग गए कपल्स तो कभी झगड़े ना हो यार. कमाल की बात है. बट थैंक यू सो मच, आप लोगों के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा. थैंक यू एंड आई एम होपिंग टू सी यू अगेन नेक्स्ट ईयर मिर्ची म्यूजिक. बिल्कुल.